या अली मदद। अलवाइज ड्राई अबू अली मिशनरी वाइज नंबर 540 रिकॉर्डेड बाय मेहंदी मोमिन एट शुगरलैंड टेक्सास। मैंने कहा देखो हर इस्माइली 5-6 बरस की उम्र का होता है तो उसको दुआ सिखाई जाती है। हर इस्माइली अपनी दुआ जानता है जिसको हम नमाज कहते हैं, और आप में से 22-25 बरस के जवान हैं नमाज नहीं जानते और हमारे ऊपर अटैक करते हो। मैंने तो उनको गाजर मूली की तरह शहीद कर दिया मौला के नाम से, और ये सब रिकॉर्डिंग है टेप में। बहुत अच्छी तरह से रहा। ऐसा एक घंटा और निकला, फिर वो उनका एक मौलवी खड़ा हुआ और उसने उन लोगों को बहुत दबाया, हमारी बहुत तारीफ की, सारा वातावरण वो चेंज हो गया। करने वाला तो बोला मुसलमान मस्जिद में जा भी नहीं कर, ऐसी खूबसूरत मस्जिद आदमी कितने, तो 2-3 जूतियां, और वो भी मस्जिद में से जूतियां उठा ले जाते हैं। आज के टाइम में आपके हिसाब से हम इस्माइलियों के अंदर में इलम का कहां तक, यानी के नॉलेज हम जानते हैं, आपका क्या इसमें एनालिसिस है? 0 से थोड़ा ज्यादा है। जीरो से थोड़ा ज्यादा है, बाकी कुछ नहीं, फूस है। बाकी ये पूछो कि हमारी जमात में पैसे वाले कितने हैं तो मैं आपको बोलूंगा 10-15% है। इलम 0। अजय माम 25 साल की इनकी सिविल ड्यूटी होने के बाद में मौला ने कहा था कि अब से मेरा जो प्रोजेक्ट रहेगा उस तरीके के ऊपर मैं काम करूंगा, और उस पर मौला काम कर रहे हैं, तो उसमें हम कहां तक। अभी ऐसा ना कि सुल्तान शाह फरमाया अगर जो लश्कर है वही कमजोर है तो जनरल क्या करे। इमाम तो है, हम ही कमजोर है, मौला की बातें मानते नहीं। मौला की ऊपर में कोई रिसर्च, इसके ऊपर में कोई काउंसिल, इसके ऊपर में कोई कड़ी का बोर्ड का कोई वर्किंग कुछ नहीं। कुछ पहली चीज तो यह है, खुदा ने नबी को कहा बंद किया कि खुला रखा, जारी किया, अच्छा क्या कि हवा आती रहे। हमारे इस्माइली तरीके का खास तौर पे जो हम इंडिया पाकिस्तान के लोग हैं, यूरोप में, इधर नॉर्थ अमेरिका में हम ही लोग हैं, अफ्रीका में हमारी सारी तादाद लगभग 5 लाख की है, तो खुदा कुरान में कहता है मोहम्मद तुम्हारे अंदर एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो लोगों को इलम सिखावे, नेक बातें सिखावे, बदियों से बचाए, और वो चीज है मिशन। जमात खाने के अंदर वाजें लगभग बंद हो गई, वाजें बंद होने से इल्म बंद हो गया। रीजन सच पूछो तो मुझे पता नहीं, लेकिन इसमें से कुछ बातें बोलता हूं। हमारे एक मिशनरी थे गुलाम हुसैन जुम्मा, नैरोबी में रहते थे, एक दफा वाज की और वाज के ऊपर उसने वाज में शराब, तंबाकू, जुआ, नाच डांसेस के ऊपर अच्छी गर्म वाज की। अभी जो उस वक्त काउंसिल के जो मेंबर थे उसमें मेजॉरिटी ऐसे ही थे, उन्होंने उसकी आवाज बंद करवा दी। और उस वक्त जब ये एसोसिएशन थी तो उसको मजबूर किया गया था कि कोई भी मिशनरी जावे पहले उसको पूछो कि कौन सी चीज के ऊपर बोलना चाहते हो, तो ये कंट्रोल आ गया।
دو چار برس کے بعد وہ لوگ نکل جاتے ہیں. اگر وہ لوگ کے جو سردار ہیں وہ جماعت خانے اگر نہیں آئیں تو جماعت میں اگر کوئی مشنری ایسا کہے کہ جماعت خانے آنا چاہیے تو ان کو برا لگتا ہے. اب ان کو محض برا لگے اس کے لیے جماعت کو علم بند ہو جائے؟ لیکن ہو رہا ہے. واضح بند ہے کہ جس میں علم ملے. اگر آواز ہوتی ہے تو 10-15 منٹ کی آواز ہوتی ہے. میں نے ان سب کو کہا ہوا ہے, جتنے بھی مکھی کنوریا صاحبان ہیں, میں نے کہا پلیز کم از کم 25-30 منٹ جو ہوں تب مجھے کہنا, وغیرہ میں مجھے نہیں کہنا, میں نہیں کرتا. واضح بات ہے, میں کرتا ہی نہیں. دینان کا پارٹ اور صلات اور قرآن کی آیت پڑھتے اسی میں تو 10 منٹ ہو جاتی. اور حضرت امام ایتھکس کے اوپر, نیک اعمال پہ بہت زور دیتے ہیں. ہماری جماعت کی جو بیک گراؤنڈ ہے نا 100 برس کی, وہ اتنی اچھی نہیں ہے. غریب کھیڑوت, کھیتی باڑی کرنے والے, مزدوری کرنے والے, یہ 4-5 نسل پہلے یہ ہمارا حال تھا. ایجوکیشن تھی نہیں, اور آج بھی ایسی بہت سی پرانی عادتیں ہمارے اندر ہیں. ایون جو ہمارے یونیورسٹی کے پڑھے لکھے اسٹوڈنٹ گریجویٹس ہیں نا, ان کے اندر بھی جماعت خانے کا ادب ایتھکس نہیں ہے. ایک جماعت خانے میں میں گیا, ابھی ہم لوگ ادھر بیٹھتے ہیں نا, ساری جماعت ہمارے سامنے ہوتی ہے تو بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں کہ دوسرے نہیں شاید دیکھ سکتے. تو ایک بڑی عمر کے آدمی تھے, دم کی بیماری تھی. جماعت خانے کے اندر دعا پڑی جاتی ہے, اس کو کھنگار آیا. منہ سے کھنگار نکل کے چٹائی اٹھائی اس کے نیچے رکھ دیا, جماعت خانے کی چٹائی اٹھا کے اس کے اندر رکھ دیا. خیر میری باقی کی دعا تو میری خراب ہوئی, کوئی بات نہیں. لیکن بعد میں میں بڑے میاں کو باہر لے گیا, میں نے کہا یہ تم نے کیا, ہاں میری بھول ہو گئی. بولا رومال نہیں, رومال جماعت خانے کو ایسا خراب کرتے. یہ پانی پینے کا نہیں, وہ منہ لگا کے پانی پیتے ہیں, اس کے اندر لوگ ناک صاف کرتے ہیں اور گر جاتا ہے. ابھی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ایتھکس میں بھی آتی ہیں, مینرس میں بھی آتی ہیں, ایسے آدمی بھی ہماری جماعت میں ہوں, اب ان کو کوئی بولنے والا نہ ہو رہے تو وہ کہاں سے سیکھیں گے؟ صبح ایپل کا جھورا ملا, دعا وغیرہ پڑھ کے میں بوٹ لینے گیا تو ادھر صبح بوٹ کس طرح, یہاں آپ نہیں رکھتے, کوئی آدمی نہیں ہے, تو میری نظر پڑی کہ تو بوٹ کے اندر وہ صبح کا جورا پڑا تھا. میں نے اٹھا کے اپنے کھیسے میں رکھ لیا, باہر جا کے میں بیٹھ گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ بوٹ کس کا ہے. کچھ دیر کے بعد ایک آدمی آیا, جورا ڈھونڈنے لگا. میں نے ایپل نکال کے مطلب جورا ڈھونڈتے ہو, مجھے دیکھ کے چپ ہو گیا. میں نے کہا شرم کی بات ہے, تم کو جھرا لینے کی کیا ضرورت ہے, مت لو. امام نے تم کو ایک بخشش دی ہے برکت کے طور پہ, اس کے تم بوٹ میں رکھ لیتے. بہت سے جماعت خانوں کے اندر میں نے دیکھا ہے, جب یہ فرمان پڑھانے ہوتے ہیں تو مکھی کسی کو بلاتے ہیں, چم چاٹ کے اس کو فرمان دیتے ہیں, وہ فرمان پڑھ کے مکھی کو دیتا ہے, مکھی لے کے پاؤں کے پاس رکھ دیتا ہے. اگر مکھی کا مڑیا وہ اس فرمان کی کہ جس کا درجہ قرآن جتنا ہے وہ لے کے اپنے پاؤں کے پاس رکھ دیتے ہیں, اب کیا کرنا؟ یہ چیزیں کون سکھا دے؟ اور میں
कोई परवाह किए बगैर, छोटा है कि बड़ा है, गुस्से होएगा कि कुछ भी होगा, अपमान कर देगा, मैं परवाह नहीं करता। मैं कह देता हूँ कि यह फरमान है, पाठ के ऊपर रखो। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जमात के अंदर, ये लंबे पांव कर देना ये है। तो कई लोग ऐसे हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, डायबिटीज की बीमारी होगी, मीठे झूरे मिले चॉकलेट के, और चार पांच झूरे इकट्ठे हो जाए तो प्लेट भर के जमात खाने में ले आते हैं। झूरा कभी जमात खाने में वापस मत लाओ, खा जाओ, भले 15 दिन लगे, थोड़ा तोड़ तोड़ के खाते रहो, लेकिन चार पांच झूरे इकट्ठे हो जाए तो फिर वो इमाम की मेहमानी कर देनी, वो तो इमाम की सख्त बेअदबी होती है कि इमाम ने तुम्हें बख्शीश दी, वो बख्शीश इकट्ठी करके इमाम को वापस देते हो। अब ये सारी ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि जिनको बहुत मतलब हम नाम भी लेते हैं, और ये वाक्य बहुत मैंने देखे, इसीलिए बयान करो। और वो नाम भी लेने के बाद में पता चलता है कि वो हम उसको खा नहीं सकते, और उसको फिर से जमा खाने लेके जाया जाता है। बहुत खराब किया, वो सही है या वो तो नहीं सही, तो ठीक छोटे, वो तो गुनाह किया, उसको फेंक दो। वो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, उसके अंदर में सोच जो जमातों के अंदर में है वो ये है कि नंदी ली हुई चीज फेंक भी नहीं सकते, अगर बिगड़ गई है तो फेंक दो, क्यों नहीं। वो बिगड़ी हुई चीज वापस फिर जमात करने में साहब के पास, बिगड़ी हुई चीज नहीं मतलब बिगड़ गया, बिगड़ी हुई है ना। आज समझो मैं एक नंदी ली, लेने के बाद पता चला कि मैं शायद इसको नहीं खा पाऊंगा, क्यों नहीं, सेकंड रीजन कुछ भी ऐसे हो जिसके वजह से उस चीज को मैं खा नहीं पाता। मिसाल दूं, मैं बैंगन नहीं खाता, हाँ जी, और मैंने कभी बैंगन की नांदी ले ली तो मैं किसी इस्माइली को दे दूंगा, मगर जमात खाने में उसको नहीं, ऐसा नहीं। वो मेहमानी जो करते हैं वो उस वक्त नियत होती है, हाँ तो एक उस वक्त मेहमानी में वापस रख देवे हो जावे। लेकिन ये तो लेके मैं घर गया और वहाँ पता लगा कि ये तो बैंगन निकले, अब क्या करूँ, तो उसको जमात खाने, जमात खाने मत दो। जैसा कि दूध और सीरे की नांगी होती है, हाँ तो दूध वापस रख देते हैं, सीरा ले जाते हैं, सीरा रख देते हैं, और बात है उसमें कोई उसमें हरकत नहीं। मगर नांगी अगर बिगड़ गई है तो उसको फेंक दो, मगर वापस ले जाओ। और इमाम का हुक्म भी है, सुल्तान अहमद शाह का ये हुक्म है कि नांदी करने वाले को ऐसा लगे कि ये नांदी खराब है उसको नांदी नहीं करनी चाहिए, उसको फेंक दो। बहुत मतलब दूर आता है कि जो पता चल जाता है सुबह में कि ये खराब हो गया, हाँ उसकी डेट पर से भी पता लग जाता है, उसको हटा दो। हाँ हटा दो। एक बात और पूछनी थी कि जो मेरी समझ तो यही है कि सही होना चाहिए, लेकिन आज की जो जनरेशन है जो यहाँ रहती है, और सिर्फ वो उनकी जो लैंग्वेज है वो सिर्फ इंग्लिश है, और उसमें भी अमेरिकन इंग्लिश जो है, यू नो दैट अमेरिकन इंग्लिश के जो तलफ़ुज़ जो वगैरह जो होते हैं, तो उसमें हम जब दुआ उनको पढ़ाने को बिठाते हैं और वो बच्चा जब वो दुआ पढ़ाता है तो कहीं कहाँ होता है, कहीं कहाँ होता है वो, तो उसका क्या आज की जनरेशन के लिए क्या मैसेज, उनको सही तौर पर सिखाना चाहिए, तो उनको जमात खाने में दुआ पढ़ाने के हिसाब से देनी चाहिए। मैंने कहा ना उसको सही तौर पर सिखाओ और फिर जमात खाने में उसको लेके आओ ना। बच्चे ने अगर तक नहीं सीखा तब तक उसको जमात खाने में मत लाओ, यानी पढ़ाने के चांस मत दो, सिखाओ उसको। और हमें आपकी बात में से एक बात अभी निकली, हमें अरबी सीखनी चाहिए, और अरबी सीखने का बंदोबस्त हो रहा है, बच्चों को अरबी सिखाई जाएगी ताकि वो अच्छी तरह से पढ़ सकें। पाकिस्तान में तो शुरू कर दिया है, पाकिस्तान बेटा आसान है क्योंकि उधर है उर्दू जबान है ना, बच्चे मदद होती है आज चिंतामणि का मैं गया था, वहाँ पर दो बच्चों ने एक
उन्होंने इतनी गलतियाँ की है कि मैं समझता हूँ जहाँ तक मैंने तो कहकर दुआ नहीं पड़ी, उसका क्या वो दुआ कबूल होती है या वो चलता है? तुम्हारी नीयत दुआ पढ़ने की थी, तुम्हारी दुआ कबूल। अगर पेश इमाम ने कोई गलती की है तो वो ही पकड़ा जाएगा, तुम नहीं, तुम्हारी दुआ हो गई। पेश इमाम तो थोड़ा बच्चा है, ना समझे। हाँ, उसको सिखाना चाहिए, सीख जावे फिर आके वो दुआ पढ़ा दे। 6 बरस के बच्चे ने ईद नमाज नबी जबान के जबाने के अंदर पढ़ाई है, उम्र का कोई तकाजा नहीं है इसमें, मगर उसको सिखाओ, अच्छी तरह सिखाओ। महज बच्चे ही नहीं, बड़े आदमी भी गलतियां कर देते हैं। वो इमाम कायम को काहिर बोलते हैं, कायम और काहिर अलग अलग कर देते हैं। और इमाम मोहतदी है तो मोहतदी को मोहतमदी कह देते हैं। तो ये गलतियां सुधारनी चाहिए, मगर जमात की जो दुआ है वो कबूल है। पढ़ाने वाले का गुनाह हो गया, मगर जमात की तो दुआ कबूल होगी क्योंकि वो नियत के साथ है। माफ कीजिएगा, मैं आज आपको थोड़ी मेरी पहचान देना चाहता हूँ। आई वॉज द मुखी साहब ऑफ द करीम पर जमा खाना कराची को समझे, और मैं अपनी सोच से उस बच्चे को वहां तक बैठने नहीं देता था कि जब तक उसकी दुआ परफेक्ट न हो। बिल्कुल ठीक है, बहुत मतलब अलियाबाद के जमात के मुखी साहब को भी आप जानते होंगे, जब तक बच्चा जो है परफेक्ट न हो जाए उसको हम जमात खाने में दुआ पढ़ाने की जगह इसलिए नहीं देंगे कि जमात जो बैठती है तो करीबन हमारे वक्त में वहाँ की जो जमात होती थी 4-5 हजार की जमात एक साथ में दुआ पढ़ती है, और अगर पढ़ाने वाला सही नहीं, ये मेरा नुकसान था कि अगर पढ़ाने वाला सही नहीं है तो पढ़ने वाले के लिए भी उस चीज के अंदर में उसकी जो लिज्जत, उसकी जो जो उसकी ड्यूटी जो आप कहें वो उसमें मुकम्मल नहीं होती है, तो वो सही नहीं कहा जाए। आपका जो नुक्ता नजर था कि बच्चे को सिखा के बगैर दुआ पढ़ाने का चांस नहीं देना, वो ठीक है, लेकिन अगर उसने गलतियां की हैं तो जमात को उसका सफरिंग नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि वो फिर मुझे ये बताया गया कि अगर मुखी खाना वजन कह देता है अगर मुखी खाना वजन कह देता है तो जमात की दुआ कबूल हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन परफेक्शन होना जरूरी है। बहुत है, बहुत जरूरी है। इसी सिलसिले की और कड़ी पाकिजगी के लिए मैं पूछना चाहता था, वाजों में मैंने कोई टॉपिक छोड़ा नहीं, इसके ऊपर भी मैंने एक दफा वाइज की थी, और खुल के की थी। खुल के इसलिए की थी, मैं बोला सॉरी, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ कि अगर मैं खुल के अल्फाज नहीं कहूँ तो जमात मानेगी नहीं, शायद समझेगी भी नहीं। बदन की और ख्यालात की पाकिजगी दोनों बहुत जरूरी है। बदन की पाकिजगी यह है कि हमें टॉयलेट में जाते वक्त पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, सिवा कि मजबूरी होवे कहीं तो ठीक है, यानी कागज इस्तेमाल कर सकते हैं, मिट्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुस्ल जनाबत भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, उसके बगैर ना हम दुआ पढ़ सकते हैं ना जमात खाने जा सकते हैं। इसी तरह से नबी के फरमान के हिसाब से हमारे बदन की बाज ऐसी जगह है कि जहाँ हमें अच्छी तरह से ज़्यादा साफ करना चाहिए, बाल निकालने चाहिए। ये पाकिजगी हमारे बदन के लिए, रूहानी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। और पाकिजगी तो हमारे अंदर तो ये ना कि हम जमात खाने नहा के जाते हैं, नबी ने बहुत सी अच्छी आदतें सिखाई हैं और मेरी वाजों में है कि अगर छींक मारनी है तो या तो रुमाल रखो
अगर नहीं बन सकता जल्दी से तो कम से कम अपना हाथ ऊंधा करके रखो। इसी तरह से जब भी हम यॉनिंग करते हैं, जमा ही लेते हैं, तो भी अपना मुंह सबके सामने मत खोलो, उसको ढांक रखो। महफिल के अंदर के जमात खाने के अंदर अपने नाक को जोर से साफ मत करो कि आवाज आवे बम की तरह। इसी तरह से खांसी करनी है तो भी रुमाल रखो और जहां तक बन सके खांसी को रोको। ये सब मैनर्स है, मजहब का एक ये हिस्सा है। इसलिए कि अच्छी आदतों वाला इंसान खुदा के दरबार के अंदर ज्यादा पसंदीदा है। नबी वैसे थे दावत में किसी के घर, तो एक बड़े थाल के अंदर उन्होंने गोश्त पिला रखा। घर का जो आदमी था मेजबान, वो अच्छी अच्छी बोटियां निकाल के नबी के सामने रखता था। नबी के सामने एक आदमी बैठा था, उसने देखा कि इधर तो ढेर लगा हुआ है, मेरे पास तो कुछ नहीं, तो झुक के लंबा हाथ करके नबी की बोटियों में से थोड़ा बोटी खींच ली। नीची नजर थी, नबी इसी तरह से कहने लगे, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे सामने जो कुछ है उसमें से खाओ, दूसरों की तरफ हाथ मत बढ़ाओ। ये भी एक मैनर है। जहाँ तक मेरी समझ है वहां तक हमारे बुजुर्ग जो हो गए उनके पास में तो बड़ा एथिक था, एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे का ख्याल करना, वो वक्त में वो तो बहुत काबिल थे। लेकिन ये सब ध्यान से ये हम कम का होते हुए चले गए। आपका जो एनालाइज है, जो मुझे याद है कि हम जब तक टोपी पहन के जमा करने नहीं जाते थे तो हमें टोपी वहां बैठे नहीं दिया जाता था, तो वो तो उनके पास एथिक थी, उनके पास उनका सच बात है, मगर ये औलाद में पास ऑन ना हुआ ना। ये वो कहां से ब्रेकअप हुआ था, 60s 70s 80s में हम कहां से। सुल्तान मोहम्मद शाह के हवाले तक ठीक था, उस वक्त तक ठीक था। कराची के अंदर चागला मुखी तो याद है, वटदार आदमी थे, लैलतुल कदर आई। उस वक्त की एसोसिएशन ने एक लड़का भेज दिया आवाज करने के लिए। चागला मुखी को उसने कहा, मुस्तर मेरा वारा है। अब ललतुल कदर है, बाद ऐसे लोग आते हैं कि जो बरस में एक दफा आते हैं। चागला मुखी ने एक अड़क और सीनियर मिशनरी था उसको कहा, आवाज करो। उसने कहा, अमीन मुस्तर, लेकिन वारा उसका है, मेरा नहीं, मेरा हुक्म है, मैं मुखी हूं। भले उस लड़के को वारा नहीं दिया। दूसरे दिन या तीसरे दिन एसोसिएशन में से मुखी साहब को कहा गया कि आपने ठीक नहीं किया। मुखी साहब ने क्या किया, रिपोर्ट लिख के सुल्तान मोहम्मद शाह को भेज दिया। सुल्तान मोहम्मद शाह का वारा था, गरम वारा, एक तालिका भेजा, मुखी कमड़िया मेरी गादी पे है। वो कोई गधे नहीं है, ऐसा नाम अंदर है, मुखी कमड़िया आर नॉट डोंकीज, वो गधे नहीं है कि जमात के अंदर किस मिशनरी को वाज के लिए खड़ा करना है, किसको नहीं करना, यह मुखी की सत्ता है। और मुखी की यह ताकत मैं छीनना नहीं चाहता। ऐसी तीन अलग अलग जगहों के ऊपर इस किस्म के वाकयात बने हैं और तीन तालीके इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने इस तरह से लिखे कि जमात खाने के अंदर मुखी सुप्रीम साहब का ये नाम नहीं है कि मुखी सुप्रीम, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन में कह रहा हूं कि अंदर जमात खाने के अंदर मुखी सुप्रीम।
मुखी की ये ताकत है। देखो प्रिंस अली खान की माँ बेगम माता थेरेसा मार्सल्स में बीमार पड़ी, ये बात 1928 की है। पेरिस में मोहम्मद अली नगीना वाला अपना मुखी था। रात को 11-12 बजे साहब पर्सनली उसको फोन करते हैं, मुखी तुम जितना जल्दी बन सके मार्सल जाओ। बेचारा उठा, गाड़ी ली, सारी रात चलाया, डे ब्रेक पहुंचा। जब भी उधर पहुंचा तो नौकर को कहा अंदर इतला करो, मुखी आ गया। सुल्तान मोहम्मद शाह आए, मुखी का हाथ पकड़ के बेडरूम में ले गए। माता आंखें बंद करके पड़ी थी। सब कहते हैं मुखी बेगम को छाटा दो। कहते खुदावन इसके लिए मुझे बुलाया? फरमाया हाँ, लेकिन आप इमाम हो, ये गत का काम है, ये मुखी का काम है। छाटा दिया, गुजर गए। मुखी की एक एक्टिविटी के लिए उसको वहां से बुलाया, सारी रात मुसाफरी करके आया छाटे के लिए। मुखी का दर्जा बहुत बड़ा है, लेकिन अब मुखियों की पावर छीनी जा रही है। और मैं इस चीज के लिए मैं मार्क कर रहा हूं, लेकिन इंशाल्लाह कभी भी मौला के हुजूर में जाऊंगा, कोशिश करूंगा कहने की, जो ये बुलाने की ताकत देगा। कभी कभी इसको पसंद नहीं है तो हमारी जबान नहीं खुलती। मगर मुझे एक इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का फरमान याद है। मौला फरमाया के बोला फरमाया कि जमात के अंदर कुछ भी तकलीफ हो या हमको लिखो। किसी ने कहा भगत ने खुदा ने आपको सब रोशन ऐसा फरमाया, ठीक है, लेकिन दुनिया में जाहिर भाने एक्शन लेने के लिए हमारे सामने जाहिर भाने शिकायत आनी चाहिए। लिखो। गए बरस एक सर्कुलर निकला, मुझे ऐसा लगता है कि इधर भी आया होगा। शायद इसी बरस की बात है। इसको जरा बंद करो तो।